हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको फुल अम्ब्रेला गाउन बनाना बता रही हूँ। ये दिवाली के ओकेजन के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो मैं ये इस गाउन की आपको ड्राफ्टिंग बताती हूँ जो मैं बना रही हूँ। ये 10 ईयर्स की बच्ची के लिए है। इसमें हमें फुल लेंथ जो लेनी है वो 46 है और इसमें मैं चोली 13 की रखूँगी। तो 46 में से जो 13 माइनस करेंगे हम तो 33 आता है। इसका मतलब हमें जो नीचे का घेर लेना है वो 33 का लेना है। अब ये चोली के लिए नाप है, चेस्ट इसमें 28 है, नेचुरल वेस्ट भी 28 है, आर्म होल 13 है और शोल्डर भी इसके 13 है। तो आइए हम सबसे पहले शीट पर चोली के लिए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें चोली जो है वो हम 13 की बना रहे हैं, इसलिए मैं 1 इंच इसमें प्लस करके 14 पे मार्किंग करूँगी। यहाँ पर हम स्केल से नाप लगा लेते हैं 14 इंच के लिए। ये मैंने सबसे नीचे एक लाइन खींच दी है और इसी तरह से मैं सबसे ऊपर भी एक लाइन खींच दूँगी। ये बीच का जो मार्किंग है ये 14 इंच के लिए है। अब हम इसमें शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैंने 13 लिए हैं लेकिन हम इसे विदाउट स्लीव्स बना रहे हैं, इसलिए मैं इसमें 1 इंच और प्लस कर दूंगी 14। तो 14 का हाफ होता है 7, इसलिए हम यहाँ पर 7 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैंने 7 पे निशान लगाया हुआ है और मैं इसके आर्म होल भी 7 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ 7 पे मैं यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेती हूँ, इसी पर हम चेस्ट का नाप लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी एक लाइन खींच दी है। अब हम आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ले लेती हूँ। ये शोल्डर से आर्म होल के लिए मैंने एक लाइन ले ली है। मैं अम्ब्रेला गाउन के लिए एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसमें से भी आप पूरी मार्किंग देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगी। यहाँ से हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, मैंने 7 पे निशान लगाया है। 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं और हम नेचुरल वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये मैंने शोल्डर जो आर्म होल है वहाँ के लिए एक कर्व दिया है। ये आप हाथ से भी दे सकते हैं और अगर आपके पास ये फ्रेंच कर्व हो, ये फ्रेंच कर्व के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन्हें ले लीजिए। ये बहुत ही सस्ते आते हैं और इससे बहुत सटीक नाप लगता है। बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल गोलाई। ये पीछे के पर्दे के लिए और ये आगे के फ्रंट पार्ट के लिए भी मैं इसमें जो हम शेप देते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। ये फ्रेंच कर्व से बहुत अच्छे से निशान लग जाते हैं। अगर आपको राउंड लगाने में कोई दिक्कत आए या कहीं भी कर्व देने में दिक्कत आए तो आप इससे लगा सकती हैं। अब हम नेचुरल वेस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर भी मैंने 7 पे निशान लगाया है और यहाँ मैं 2 इंच का मार्जिन और रखूँगी क्योंकि हम इसमें हल्की सी टक्स लगाएंगे, थोड़ी सी बिल्कुल, इसलिए उसका भी मार्जिन इसमें आ जाएगा। और टक्स लगाने के बाद ये अपने आप शेप में आ जाएगा तिरछा, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब मैं नेक लाइन के लिए ड्राफ्टिंग करूँगी और हमें इसमें 1/2 इंच बिल्कुल शोल्डर डाउन करने हैं। नेक के लिए मैं 2.5 पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये बच्ची का है। और 2.5 के बाद मैंने यहाँ पर 3 पे निशान लगाया, 2.5 पे ही लिया है मैंने इसे। ये बैक पार्ट के लिए मैं ले रही हूँ, पीछे के पर्दे के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर हम एक राउंड का शेप ले लेते हैं क्योंकि मैं पीछे के पर्दे में गोल गला बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2.5 इसकी गहराई ली है और मैंने नेक विड्थ भी, चौड़ाई भी मैंने इसकी 2.5 ली है। और ये आगे के पर्दे के लिए मैंने स्वीट हार्ट शेप दिया है। ये देखिए, पीछे हमने बैक का लिया था, ये 5.5 पे मैंने शेप दिया है स्वीट हार्ट नेक के लिए। इसके लिए भी मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं स्वीट हार्ट नेक बनाने के लिए। और ये मैंने आगे का पर्दा 5.5 पे निशान लगाया है नेक का और ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। सबसे पहले मैंने इसमें सिर्फ बैक पार्ट के लिए कटिंग की है जिससे हम जो हम गाउन बना रहे हैं उसकी लाइनिंग को हम पहले बैक पार्ट को काट लेंगे। ये देखिए, ये जो निशान है इसी तरह से हम कपड़े पर रखकर ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, बिल्कुल सही है ये। और इसमें हम आगे की शेप के अब कटिंग कर देंगे। ये जो कटिंग कर दी है मैंने आगे के लिए, इसी को रखकर हम आगे के पर्दे के लिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। ये देखिए, इस तरह से आप एक ही शीट पर निशान लगा के आप दोनों पीस काट सकती हैं। ये देखिए,
जिस तरह से हमने लाइनिंग की कटिंग की है उसी तरह से हम इसको रखकर जो हम साड़ी में से गाउन बना रहे हैं उसकी भी कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ये देखिए अब जो नीचे का पार्ट है वो मैंने कटिंग कर लिया है लाइनिंग अम्ब्रेला। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, हम इसे सिंपली फोर फोल्ड करके रख लेते हैं और हम इसे राउंड ले लेते हैं कमर का नाप लेने के लिए। चूँकि नाप 33 था नीचे के घेर के लिए तो मैंने लाइनिंग 30 का लिया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने इसकी पूरी कटिंग कर दी है। इसी को रखकर हम अब साड़ी में से अपना गाउन निकालेंगे जो फुल अम्ब्रेला होगा। इसमें मैंने पल्ले का जो कपड़ा है वो अलग निकाल दिया है और इसमें हम चोली के लिए जो इसमें लाइनिंग दी गई है, देखिए ये खड़े में लाइनिंग है तो हम इसमें से जो चोली है वो इस तरह खड़े लाइनिंग में से निकालेंगे। और चोली के लिए भी कपड़ा मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये देखिए इसके मैंने दो पीस कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ पर हम अपना लाइनिंग का कपड़ा रखकर इससे दोनों पर्दों को जॉइंट कर लेंगे और उसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और हम अब नीचे के घेर के लिए निकालेंगे जो हमें फुल अम्ब्रेला निकालना है। तो जो साड़ी का कपड़ा बचा है उसे आप फोर फोल्ड करके रखिए। ये देखिए ये डबल, और इसे एक बार और फोल्ड करना है। ये फोर फोल्ड है साड़ी, इसे मैंने फोर फोल्ड करके रखा हुआ है। अब जो हमने लाइनिंग की कटिंग की है उस लाइनिंग को हमें जो फोल्डेड एरिया है वहाँ से जमाना है। दोनों का फोल्डेड एरिया एक साथ रखना है। ये देखिए मैंने रख रही हूँ, मैं आप इसे देख सकते हैं। हम इसमें जो नीचे बॉर्डर है ऊपर और नीचे, मैं इस बॉर्डर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसलिए मैंने इसे बिल्कुल बीच में रखा है। और यहाँ से इसमें जो 30 का लिया है, हम जो साड़ी में से कपड़ा है वो 34 का लेंगे। कमर हम सेम नाप पे हम इसकी कटिंग करेंगे कमर के लिए, और मैं 34 लूँगी एक इंच मार्जिन के लिए। और 33 हमारा लेंथ है ही है घेर के लिए। आप इस तरह से एक सिरा ऊपर पकड़ लीजिए और एक सिरे से आप इसमें नीचे से मार्किंग करते जाएं। ये बिल्कुल सटीक 34 ही बैठा है तो हम इसे इस तरह राउंड लेते हुए 34 पे मार्किंग कर देते हैं। क्योंकि इस पर चौक नहीं दिखाई देगी इसलिए मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। ये देखिए आप इस तरह ऊपर से भी सरकाते जाएं और नीचे से भी आप सरकाते जाएं तो ये बिल्कुल राउंड मिलेगा आपको जो हमें चाहिए 34 का। और इस तरह चौक से आप निशान लगा सकते हैं। चूँकि इस कपड़े पर चौक नहीं दिख रही है मैं आपको सीधे काट कर बताती हूँ। ये देखिए मैंने आगे जो कमर का हिस्सा है वो भी कटिंग कर लिया है और नीचे से मैंने इसकी घेर की भी कटिंग कर ली है। ये खोलने के बाद इस तरह दिखेगा, ये डबल पीस है। और इसकी चोली की भी कटिंग कर ली है मैंने। तो आइए अब हम सिलाई करने के लिए मशीन पर चलते हैं। ये मैंने फ्रंट और बैक के पीस को, दोनों पीस को मैंने एक सिलाई लगा के जोड़ लिया है। अब इसमें हम जो टक्स देंगे बहुत हल्के से देने हैं, इसके लिए मैं मार्क कर रही हूँ 9 इंच पर। शोल्डर से हमने 9 इंच पर एक निशान लगाया है और जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ से मैंने 3.5 पे एक निशान लगाया है दोनों साइड। और ये निशान लगाने के बाद अब हम इसमें टक्स भरेंगे। ये टक्स आपको दोनों पर्दों में लेने हैं, फ्रंट और बैक। और बिल्कुल आपको माइनर हाफ मतलब एक बूट के आपको इसमें टक्स लेने हैं। ये देखिए आप बिल्कुल हल्की सी आपको एक प्लेट लगानी है। ये देखिए मैंने दोनों पर्दों में टक्स लगा चुकी हूँ। अब हम इसमें गले के लिए बनाएंगे तो जो राउंड में हमारा कपड़ा बचता है उसमें से मैंने ये ओरेवी पाइपिंग बना ली है। ये ओरेवी पट्टी बनाई है, इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके इस पर लगाएंगे। ये देखिए हमको बिल्कुल बिछाते हुए लेना है, खींचना नहीं है। और इसे अंदर से आप कट करने के बाद आप इसे फोल्ड करके सिर्फ आपको पट्टी पर सिलाई लेनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं सिर्फ पट्टी पर सिलाई ले रही हूँ, जो मैंने कॉटन की पट्टी लगाई है। इसलिए इस तरह से हम सिलाई करते हैं तो हमें बाहर कोई भी सिलाई नहीं दिखती है। अब आप इसे अंदर फोल्ड करके इस पर आप तुरपन कर सकते हैं। इस तरह से बाहर बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है और बाहर कोई धागा भी नहीं दिखाई देगा ये अंदर फोल्ड करने के बाद। इसी तरह से आप फ्रंट पार्ट पर लगाइए, और मैं दोनों पे लगा चुकी हूँ इसलिए हम यहाँ सब शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ मैं यहाँ। ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर पकड़ के जॉइंट किए हैं क्योंकि अब हम इसी तरह से पट्टी आर्म होल पे लगाएंगे।
ये देखिए, ये दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद जिस तरह से मैंने आपको गले पर बताया है उसी तरह से हम डबल फोल्ड करके पट्टी को आर्म होल पर लगाते हैं और उसे अंदर कट करने के बाद हम उस पर सिलाई देंगे और उसे अंदर फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमारी चोली जो है ये गाउन की ये तैयार है। ये देखिए, इसे इस तरह फोल्ड करके आपको अंदर से तुरपाई करनी है तो ये ऊपर से बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। अब हम इसके घेर के लिए सिलाई करेंगे। ये चोली आपकी तैयार है। ये जो अस्तर है लाइनिंग का कपड़ा, इसे मैं नीचे से फोल्ड करूँगी। यहाँ पर मैं सारी सिलाई कर चुकी हूँ। जो हम औरे भी लेते हैं तो जो जोड़ आता है वो मैंने पूरी सिलाई कर ली है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है, इसलिए मैं इसमें आपको फास्ट बता रही हूँ। थोड़ा सा इसे मैं नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। इसे हम ये एक इंच कपड़ा पूरे में हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैं फोल्ड कर चुकी हूँ और इसमें अब हम जो हमने साड़ी का काटा है घेर, उसकी हम कमर जॉइंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि लाइनिंग का जोड़ नहीं आया है लाइनिंग में, तो मैं कमर पे हल्का सा कट लगाऊंगी, क्योंकि साड़ी के जो पार्ट हैं वो आगे और पीछे के दो पीस हैं, इसलिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप इसमें साइड में कट लगा लें। और इसके दोनों पर्दे हैं आगे पीछे के, वो आप लाइनिंग के दोनों पर्दों में जोड़ दें। आपको सिंपली सिलाई लगा के दोनों पर्दे जोड़ने हैं, फ्रंट और बैक में। ये देखिए, ये सिंपली आपको एक सिलाई लगानी है जिससे ये दोनों पर्दे अटैच हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैं दोनों पर्दे अटैच कर चुकी हूँ और मैंने इसमें एक सेंटर पॉइंट का कट भी ले लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो कट लगाया था, इसलिए ये दोनों पर्दे इजीली जुड़ चुके हैं आगे और पीछे। अब जो चोली बनाई थी हमने, वो मैंने तुरपाई करके बिल्कुल तैयार करके रखी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से इसकी नेक लाइन आई हुई है। और अब आपको सिर्फ ऊपर का पर्दा और नीचे का पर्दा, जो बैक पीस है, ये हमें सिर्फ इसमें सिंपली जॉइंट करना है। ये जॉइंट करने के बाद आपको साइड से इसकी फिटिंग देनी है। यहाँ से आप आर्म होल नाप के, यहाँ से आपको सिंपली इसमें एक जो आपका नाप हो वहाँ से नाप के आपको इसमें फिटिंग की एक सिलाई देनी है। ये देखिए, मैं इसमें ये कमर जॉइंट कर चुकी हूँ दोनों पर्दे। हम इसमें जो बीच का पीस निकालते हैं, सेंटर पॉइंट जो निकालते हैं, वो दोनों सेम होना चाहिए। इस तरह से बहुत आसानी से जॉइंट हो जाते हैं दोनों पर्दे। अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, जो हमें कमर के 4-5 इंच नीचे तक ही जोड़ना है और उसके बाद हम इन पर्दों को अलग अलग जॉइंट करेंगे। जो लाइनिंग है उसे साइड की सिलाई अलग लगाएंगे और जो साड़ी का कपड़ा है उसमें अलग लगाएंगे। ये देखिए, मैं एक फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, नीचे तक आपको यहाँ तक ये हल्के से सिलाई लगानी है नीचे तक। जो घेर है उसमें आपको सिर्फ 4-5 इंच तक की सिलाई लगानी है। ये देखिए, सिर्फ यहाँ तक। और इसके बाद आप जो साड़ी का कपड़ा है उसे अलग जॉइंट करिए और जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे अलग जॉइंट करिए नीचे। और जो साड़ी का कपड़ा है उसमें मैं नीचे पीको करा चुकी हूँ। आप चाहें तो इस पर कोई भी बॉर्डर या कोई भी लेस लगा सकते हैं। मैंने पीको कराई है और ये गाउन तैयार है। ये देखिए, ये विदाउट स्लीव्स गाउन है और बहुत इसमें फुल अम्ब्रेला घेर है और ये पहनने पर बहुत अच्छा लुक देता है। ये देखिए, ये इतना प्यारा लगेगा और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने किसी साड़ी में से लगाया है। इसमें फुल अम्ब्रेला घेर आया है और नीचे जो पीको कराते हैं हम, उससे इसमें जो कर्ल आ जाते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वक्त। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।